लगातार जो गुंडा बदमाशों पर लगाम कसी गई थी, आप वो भी काम नहीं हो उसको देखते हुए आइए भाई, शंख लेकर आइए, थोड़ा आगे आइए विजय शंख, थोड़ा सीट कम कर, एक मिनट, सीट कम होने का मतलब ये नहीं सरकार जिस तरह चल रही थी उसी तरह चलेगी, सरकार जिस तरह चल रही थी सरकार उसी तरह से चलेगी, सीट कम होने से कोई सरकार तो बननी है। ये जरा विजय शंखनाथ मोदी जी ये सोच ले कोई कि मोदी जी नरम हो जाए, कुछ नहीं होने नरम, सरकार उसी तरह चलेगी जिस तरह चलना चाहिए उसी तरह से चलेगी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को बहुमत तो है नहीं। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सूर्यवंशी उसके साथ लेकर आ रहे हैं और शंख भारत माता की, भारत माता की, तीसरी बार, तीसरी बार, तीसरी बार हमारी सरकार, सबकी सरकार, भगवान जय श्री राम। राम की नगरी में ही चुनाव हार रहे हैं आप लोग? नहीं ऐसा है, हम अपनी नगरी में नहीं हार रहे हैं, ये एक जनतंत्र है और जनतंत्र के अंदर हर आदमी को अपने इच्छा के अनुसार वोट देने का अधिकार है और हम जो लोकतंत्र ने हमारे को जो भी हमारे को वोट दिया है हम उसको स्वीकार करते हैं और इसके बाद में समीक्षा होगी और देखते हैं कहाँ कहाँ हमारी कमी रह गई। लेकिन क्या उसे जोश के साथ चलेगी सरकार अब जब आप लोगों को पूर्ण निश्चित रूप से सरकार उसी तरीके से चलेगी क्योंकि जो हमारे एजेंडे थे जो हमारी योजनाएं थी वैसे ही जनतंत्र के लिए रहेंगी और ये लोकतंत्र है, सबको अपनी इच्छा है, अपना अधिकार है वोट देने का। खुश है आप लोग या थोड़ा मन दुखी हो? नहीं नहीं बहुत खुश है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मन दुखी है क्योंकि जिस हिसाब से हमारे एक राम भक्त मोदी जी का थोड़ा एक एक करके थोड़ा पीछे जैसे हमारे राम भक्त मोदी जी का उत्तर प्रदेश में हुआ तो थोड़ा मन दुखी है लेकिन कोई बात नहीं, वो कुछ समझ आ चुकी है लोगों को। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, थोड़ी अगर दूरी बनाकर रखेंगे तो गर्मी सबको कम लगेगी। यहाँ पर आपको बताते चले बहुत तेज गर्मी भी है लेकिन यकीनन एनडीए ने तीसरी बार हैट्रिक लगाई है, उसके जश्न की यहाँ पर तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में आने वाले हैं लेकिन मुद्दे कौन से रहे जिसके कारण एनडीए को यहाँ पर तीसरी बार बहुमत मिल रहा है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी किस तरह से पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, दोनों ही तरफ से कौन कौन से मुद्दे रहे जिन्होंने दोनों के पक्षों में काम किया और एनडीए ने बाजी मार ली आंकड़ों के मामले में? ये रिपोर्ट देखिए उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे।